है और प्रभु राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए, राम मंदिर के निर्माण पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। देश भर में लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जनवरी के महीने में तारीख भी दे दी है, तो अब आप जिस तरह से लगे हुए हैं लगातार इस निर्माण पे, कहां तक काम पहुंचा है और जनवरी में क्या क्या पूरा हो जाएगा, और दर्शन के लिए जो लोग आतुर हैं वो कब तक इंतजार करें? काम तो देखिए बहुत अभी अधूरा है। जनवरी 22 तक जी हम लोगों ने फेज वन का आश्वासन दिया है कि वो पूरा हो जाएगा। उसमें सम्मिलित है, ये आप जहां खड़े हो ये भूतल है जी। और ये ईस्टर्न एंट्रेंस है, ईस्टर्न और ईस्टर्न एंट्रेंस में आप खड़े हो और यहां से जो भी श्रद्धालु आएगा वो पांच मंडपों को पार करता हुआ गर्भगृह में पहुंचेगा। यहां से उसको 390 फीट चलना होगा अगर उसको गर्भगृह के सामने पहुंचना है। यह पांचों हमारे जो मंडप हैं ये पूरे हो जाएंगे, गर्भगृह में भगवान स्थापित हो जाएंगे। निश्चित रूप से प्रथम तल पे हम लोग का कार्य चलता रहेगा, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि बिना किसी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज के श्रद्धालु भी आते जाएं, दर्शन करते जाएं और हमारा कार्य भी प्रथम तल का हो। एक आपको बात आपके माध्यम से आपका लाभ उठा के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता लगता कि ये परकोटा क्या है। हाँ, सामने जो सामने आपको दिख रहा है, एक बार दिखाइएगा थोड़ा, आप लोग हट जाइए यहाँ से, दिखाते हैं ये क्या है। ये परकोटा है, परकोटा हाँ जी। सामान्य श्रद्धालु के लिए ये परिक्रमा मार्ग है। अच्छा, तो इसमें एक तरीके से वह वॉक करेगा और कुल उसकी वॉक जो परिक्रमा की होगी वो 795 मीटर होगी। 795 मीटर, 795 मीटर हाँ, ठीक है। और इसका आप यूं आप इसे अनुमान लगाएं कि ये एक तरीके से मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था भी है। अच्छा, क्योंकि इसकी जो आउटर वॉल है वो बंद हो जाएगी, और इसको यूं अनुमान करें कि ये जो अंदर की तरफ आपको खुले हुए दिखाई दे रहे हैं ये इट इज लुकिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। सो मंदिर की तरफ तो खुला हुआ है, दूसरी तरफ बंद होगा और एक वेरांडा जैसा स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, जिसमें लोग परिक्रमा करेंगे। और यहाँ इस 795 मीटर में जो पैनल्स हैं, करीब 100 पैनल होंगे जो ब्रॉन्ज के होंगे। अच्छा, और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के उन आदर्शों के चित्र होगा जिसके लिए कि वह एक तरीके से अंत में उन्होंने मर्यादा पुरुष का जो एक विवरण प्राप्त किया कि वो जो भी है वो मर्यादा के प्रतीक है, तो वह इसमें दिखलाया जाएगा और उसका ग्लोबल रेलेवेंस क्या है उसको भी हम कैप्चर करेंगे। सो दिस परकोटा एंड आई ऑफन टेल दैट यू बी सरप्राइज टू नो दैट द कॉस्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर वेयर यू आर स्टैंडिंग विच इज टेम्पल इज रफली अबाउट 700 मोर देन 950 करोड़। अच्छा, द परकोटा बिकॉज इट हैज गॉट मोर स्टोन, हियर द स्टोन इज ओनली अबाउट 4 लाख क्यूबिक फीट, देयर द स्टोन अलोन इज अबाउट 9 लाख क्यूबिक फीट। देयर इज मोर ग्रेनाइट, देयर इज मोर मार्बल विच इज गोइंग टू बी यूज, सो द कॉस्ट ऑफ दैट इज मच मच हायर देन द टेम्पल इटसेल्फ। So in a cost structure of about 1800 crores, these two take the lion's share. ठीक है, तो हमने आपको परकोटा के बारे में बताया। अब मंदिर में धीरे हम सीढ़ियों से अंदर चल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत, आप तो बार बार आते हैं लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बड़ी अनुभूति है, क्योंकि राम मंदिर आस्था को भी लंबे वक्त तक देश में इंतजार करना पड़ा और उसके बाद ये मंदिर बन रहा है। एक बार ये पिलर्स देखें तो काफी काम, जी जी जी, मुझे लगता है कि अब काम काफी हो चुका है सर। ये मैं आपको बताऊं,
एक प्रश्न का आपका जवाब देना भूल गया कि श्रद्धालु कब से आएंगे? हाँ, कब से श्रद्धालु? श्रद्धालु 23 जनवरी से दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के अगले दिन से। तत्काल बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति ट्रस्ट ने निर्णय लिया है। हाँ, कि वो कराएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ रेगुलेटेड हो, क्योंकि जिस प्रकार की भीड़ आ रही है आपने रास्ते में देखा होगा, सामान्य दिन अगर ये है तो लाखों की संख्या में लोग होंगे, तो उनको प्रतीक्षा कराना एक तरीके से उचित नहीं होगा। हाँ, इसलिए 23 जनवरी से हम कराएंगे। अब आपकी बात ये पिलर्स पे और उस पर रूप काम जो है। हाँ, आइकोनोग्राफी नीचे आपके कुल मिलाकर के 170 पिलर हैं भूतल में। 170 ऐसे पिलर नहीं, ये भूतल है, ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है इस, और इसमें गिनती के 170 पिलर हैं जी। हर पिलर में करीब 25 से 30 रूप काम होते हैं, जो फिगर्स हैं मिला करके टॉप मिडिल एंड लोअर प्लिंथ मिला करके इसमें 25 से 30 होते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक पिलर पर आइकनोग्राफी समाप्त करें, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा था, हाँ, दिसंबर के अंत तक 70 पिलर पे हम काम कर पाएंगे। अच्छा, 170 में से वो 70 पिलर चुने गए हैं जहाँ से श्रद्धालु जाएगा। तो इसलिए तो ये क्या पहला, ये आप पांचवें मंडप में है, ये पांचवें मंडप, हाँ, वहां से गिनती करें तो आप पांचवें मंडप में हैं। इस मंडप में आप देखें तो इसका जो डोम है वो कंप्लीट हो गया, इसका डोम तो पूरी तरह से, और आप देखें उस सब पे एक डिजाइन है। हाँ, डिजाइन का स्वरूप जो है वो नागर शैली के मंदिरों में क्या होता है वो पुस्तकों के अनुसार बनाया गया है। ये डोम इसलिए कंप्लीट हो गया, हाँ, कि आपको यह अनुमान लगाना है कि मंदिर जो है वो टेपरिंग है। अच्छा, इसलिए कि नीचे भूतल पे तो 5 हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे 3 हैं और सेकंड फ्लोर पे 2 हैं, तो 3 और 2 तो पहले ही समाप्त हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कोई फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ये डोम पूरा कर दिया गया। इसलिए ये डोम पूरा कर दिया गया है। क्या हर मंडप का कुछ अपना एक सिग्निफिकेंस है? जी जी जी, वो समझाएं जरा। देखिए, जो मंडप के नाम है उनसे ही आपको एक अंदाज और संदेश मिलेगा कि क्या है। गर्भगृह तो स्वतः स्पष्ट है, भगवान वहां विराजित है। उसके तत्काल बाद गुरु मंडप है जी। गुरु मंडप में एक तरीके से आप ये सोच लें कि डिवोशन का वह फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट इन ए वे है, क्योंकि उसके बाद तो भगवान है। जो व्यक्ति जाएगा वो गुरु मंडप तक ही जाएगा, तो इसलिए उसको काफी बड़ा भी है, बहुत ऊंचाई पे है, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। गुरु मंडप के बाद जी, जो अन्य मंडप हैं, जैसे नृत्य मंडप है, तो एक विश्वास आस्था थी कि बहुत से लोग यहाँ पर क्लासिकल नृत्य का कमिटमेंट करें और भगवान के समक्ष, या यहाँ होगा या नहीं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो कल्पना थी वह नृत्य मंडप, उसके बाद रंग मंडप जिसमें एक उत्साह, जब लोग जाएंगे जी, तो रंग मंडप से क्रॉस करेंगे। हाँ, जैसे काशी विश्वनाथ में हमने पिछले दिनों देखा है कि वहां पर भव्य संगीत का आयोजन एक तरफ होता है, उस तरह का कुछ पारंपरिक वो बाहर है जी, काशी विश्वनाथ में। हाँ, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये अंदर है, और यहाँ ऑलमोस्ट आप ये मान के चले कि जिस प्रकार की जनसंख्या होगी उसमें अन्य प्रकार के आयोजन अंदर नहीं किए जा सकते हैं। और आपने कहा
अंतिम जो है वो प्रार्थना मंडप। तो हम इस प्रकार से मंडपों में एंटर करते हैं और हर अब आप यहाँ देखें, यहाँ चुनौती आ गई, यहाँ चुनौती आ गई। अच्छा। यहाँ पर हमको ऊपर का काम करना है और ये कार्य भी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक प्रोटेक्शन के लिए आयरन का यहाँ पर स्ट्रक्चर देना होगा और उस पर एक तरीके से फाइबर का या किसी और टफ कवर देना, हाँ, कवर देना होगा, तो जिससे वहाँ से चीजें नीचे ना आए। तो और जो जी बता रहे अपने दर्शकों को एक बार तस्वीरों के साथ समझा देते हैं सर। पहला वाला तो आपने देखा, वो मंडप तैयार है, लेकिन चूंकि ऊपर वाले माले पर तीन और उसके फिर कवर किया जाएगा, या तो उसपे मेटालिक शीट या फाइबर शीट कुछ लगा के, ताकि जब उद्घाटन हो दर्शन के लिए लोग आएंगे तो नहीं, आप यूं अनुमान लगा लें जैसे ये है। हाँ। इसी प्रकार का ऊपर कवर हो लग जाएगा कवर। अच्छा, एक दिन में नृपेन जी कितने लोग यहाँ पहुँच पाए, कितने श्रद्धालु एक दिन में, अगर सुबह से दर्शन खुलता है कितने श्रद्धालु एक दिन में आ पाए? अगर हम 12 से 14 घंटे जी मंदिर खुले रहने की बात करें, सामान्य रूप से दर्शन 70,000 लोगों का होना चाहिए। 70,000 जी, जो कि करीब 20 मिनट समय पाएंगे अंदर, अंदर मतलब गुरु मंडप में आ जाएंगे। लेकिन यदि आप अनुमान लगा रही हैं कि आने वाले दिनों में 1,25,000 की संख्या होगी, जो कि बात चल रही है कि आने वाले दिनों में 1,25,000 की संख्या होगी, तो अगर वो है तो आप निश्चित माने कि यहाँ से तो वो जाएगा, भगवान के दर्शन कर लेगा, लेकिन भगवान के समक्ष जा करके वो बिल्कुल, ये लोग जो हैं जिनको व्यवस्था, हाँ, वो तुरंत आगे बढ़िए, तब जाकर के क्लियरेंस होगी। हाँ, इतना मिनिमम का टारगेट है कि हम व्यवस्था करें। हाँ, लेकिन 23 से जो आप कह रहे हैं, 23 जनवरी से आप कह रहे हैं लगभग 60-70,000 श्रद्धालु मिनिमम। ये आप अंदर आते आते पत्थर का रंग बदलता हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर क्लैडिंग है। क्लैडिंग, हाँ, जो पत्थर था उसके ऊपर मार्बल की क्लैडिंग है। अच्छा। जैसे ये आप देखिए, हाँ, ये तो ये क्लैडिंग आ गई है उसके ऊपर, तो यहाँ पर स्पेशल फीचर ये रखा गया था जी। कि हम क्लैडिंग करेंगे। हाँ। और दोनों तरफ होगा, तो इसलिए आपने देखा कि कुछ रंग बदला हुआ है। तो अब आप एक्चुअली गुरु मंडप में आ गए, ये आखिरी मंडप जी, और इस गुरु मंडप में आप देखें तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ये कर दिया गया, प्रोटेक्शन कर लिया गया, शील्ड ऊपर शीट लगा दिया। अब यहाँ से जब यहाँ से करीब 6 लाइनें भगवान कतारें जाएंगी दर्शन के लिए, तो वो 6 कतारों को यहाँ से ले जाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और अब हम लोग ये मंडप पांचों पार करने के बाद जा रहे हैं सीधा गर्भगृह की तरफ। जी जी, ये वही स्थान है गर्भगृह, और उसका जो पूरा रेलेवेंस, कैसे रामलला की मूर्तियों को यहाँ लाया जाएगा, क्या प्लान है, क्या पीएम के आने के एक दिन पहले होगा, कब होगा, वो पूरा हमारे दर्शकों। 5 अगस्त 2020 में इसी स्थान पे जो आप झंडा देख रही हैं, पीएम ने नींव रखी, ये यहाँ पर पीएम ने शुभारंभ किया था जी। इसी स्थान पे भगवान स्थापित होंगे, भगवान स्वरूप दो होंगे, एक तो अचल मूर्ति होगी जो बन रही है, जो कि बन रही है, चयन किया जाएगा 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को ट्रस्ट के सदस्यगण स्वीकार करेंगे, जिसकी यहाँ पे स्थापना होगी। वो मूर्तियाँ कहाँ बन रही है? 3 मूर्तियाँ 3 स्थानों पर, 3 स्कल्प्टर्स,